गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज है सैटरडे मॉर्निंग और आज अभी ये कारपेट वगैरह हटा के साफ सफाई थोड़ी सी चल रही है। हेलो गाइस, आज हम कैसे हैं आप लोग? गोल का दाम कमती हो गया। आप लोग जाओ मीना बाजार गोल खरीद कर लेके आओ। मुन्नी कल गोल्ड खरीद कर लेकर आई है, इयर रिंग्स अपनी बेटी के लिए जमा करती है। हाँ। अब मेरे को भी बोल रही है आज की गोल्ड खरीद कर लेके आओ। खरीद करना चाहिए ना। हाँ। तो बता दिया जन मैडम, गोल का दाम कमती हो गया, गोल क्या खरीद कर लेके आएगा। आप लोग को जाओ, मेरे को मैडम अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आप मेरे को मैडम को शेयर नहीं, लोग खुद कर देते हैं। हाँ, तो मुन्नी मेरे को बोल रही है गोल्ड खरीद कर लेकर आओ। मैंने अनिमेश को बोला कि चलो गोल्ड खरीदने। अनिमेश बोल रहे हैं आज सैटरडे है, बहुत भीड़ होगा, आज नहीं जाएंगे। बहुत कमती हो गया, आप लोग जाओ, बहुत कमती हो गया गोल का दाम। और मेरे को मैडम को आया सब लोग थैंक यू। सो गाइस, आज है सैटरडे और सुबह से भाई घर की साफ सफाई चल रही थी। घर का सारा काम वगैरह जो था हो गया और मुन्नी भी काम करके चली गई है। अनिमेश ने, बच्चों ने, सबने खाना खा लिया है और हम सब रेडी हो गए, हम लोग कहीं जा रहे हैं। और आज हमारे घर में इडली बनी है, अनिमेश को आज इडली खानी थी। और जो कल रात में खाना आया था, जो चिकन वगैरह, वो सिर्फ मियां ने ही खाया था, मैंने भी कल रात में खाना नहीं खाया, तो वो भी वैसे ही रखा हुआ है, तो वो मैं आज रात में खा लूंगी। अभी मैं भी इडली खा लेती हूँ और फिर हम लोग बाहर जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, आज मैं पीछे वाली सीट पे बैठी हूँ क्योंकि अभी हम लोग किसी को पिक करने जा रहे हैं। हो क्या गया, जब अनिमेश निया की सीट हटा रहे थे यहाँ से, तो अनिमेश को चोट लग गई है, उनकी आई ग्लास भी टूट गई है। मैं आपको घर जाके दिखलाती हूँ क्या हुआ है, और उनको चोट यहाँ पर लग गई है। इट वॉज सडन। तो सडन कोई भी चीज लगता है तो सॉलिड लगता है ना, बिना बताए। तो मैं आपको अनिमेश से भी मिलवाती हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब, या फिर घर वापस जाने के बाद। नवनिया हाय कर दो, बोलो कैसे हैं आप लोग? नहीं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी नहीं, वो लास्ट में जब ब्लॉग एंड होगा तब। अभी पूछो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, निया चली गई है पीछे और ये है प्रिंसेस। प्रिंसेस से हाय। सो इन्होंने ही नमस्ते, डिडो से नमस्ते। नमस्ते, क्या रहे? ओके, शी इज फ्रॉम फिलीपींस, राइट? ये फिलीपींस से, और इन्होंने ही वो गिफ्ट भेजा था, मनी प्लांट, हमारे नए घर में जो पहला गिफ्ट आया था। तो ये है, और ये जतिन भैया के फ्रेंड है। अभी नव यहाँ है, निया वहाँ बैठी हुई है, तो निया भी शर्मा रही है, नव भी बिल्कुल शांत है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और कुशल होंगे। तो देखिए, जतिन भाई गाड़ी चला रहे हैं। हेलो। सो मैं इतनी एकदम सुपर एक्शन में निकला कि भाई मैं गाड़ी चलाऊंगा, पर थोड़ी सी आंख दर्द कर रही है क्योंकि एक्चुअली नवनिया का सीट एक ही साथ था, सेकेंड रो में, तो मुझे निया की सीट पीछे करनी थी बिकॉज हम लोग 6 लोग हैं और एज पर रूल एक सीट पे, एक रो में 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं, जो दुबई का रूल है कोविड के लिए। चूँकि ये 7 सीटर गाड़ी है तो हम लोग हर रो पे 2-2 लोग बैठे हैं, तो वही अरेंजमेंट मुझे करनी थी क्योंकि ये जो जिस सीट पे श्वेता बैठी है ना, उसको फोल्ड करके ही जाते हैं पीछे, तो इसीलिए निया की चेयर यहाँ नहीं लग सकती, निया की चेयर पीछे ही लगेगी। और हम लोग सब 2-2 करके बैठे हैं, हम लोग जस्ट जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेंगे और वापस आ जाएंगे। बस ये भी प्लान हमने तुरंत बनाया, मतलब सोचा कि चलो पूछते हैं जितिन भाई को किधर है, 1 घंटे में चलो करते हैं, इसीलिए थोड़ा आने में भी, थोड़ा निकलने में लेट हो गए, राइट? चोट कहाँ पे लगी, दिखा दो। पता नहीं दिखे कि नहीं अभी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्लास भी टूट गई और ग्लास आँख में जा सकती थी। वो सीट अरेंजमेंट करने में, सीट जो स्ट्रेट किया ना, तो वो पीछे सीट फेंक दिया तब से, बट ठीक है, मोमेंट, आई मीन इट वॉज सडन ना, तो सडन था तो थोड़ा ज़्यादा लगा, बट आफ्टर दैट इट्स ओके, इट्स फाइन, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा।
ये मैंने आपको बताया नहीं था, तो काफी टाइम लग गया वहाँ पे, तो हमने लैपटॉप ले लिया है और सोचा था कि बाहर नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को भूख लग गई तो बच्चों को फ्रेंच फ्राइज खाना था, तो हम लोग बेकरी में आकर फिर से बैठ गए हैं। दमनिया दमनिया हाय, व्हाट इज दिस? आप तो बोल रहे थे मैकडॉनल्ड्स नहीं आना है, फिर क्यों आए? बिकॉज़ बच्चों को फ्रेंच फ्राइज पसंद है, इसीलिए, और कोई ऑप्शन नहीं। और भूख भी लग गई थी बच्चों को? बच्चों को भूख लग गई थी, इजीएस्ट ऑप्शन वाज टू गेट दिस फ्रेंच फ्राइज एंड फैंटा। इनको फैंटा बहुत पसंद है, आई नो देना नहीं चाहिए, लेकिन बेचारे थक गए थे, इनको भूख लग गई थी, ऑप्शन नहीं था। बहुत टाइम हो गया हमें आए हुए। वो है मैजिक प्लैनेट और दोनों को देखिए, देखिए खींच कर डैडी को लेकर जा रहे हैं मैजिक प्लैनेट। नहीं नहीं देखिए, हम लोग मैजिक प्लैनेट नहीं गए तो इनको ये टॉय शॉप दिख गई यहाँ पे, बस हाँ यहीं पर रुक गए। <Yeah, easy. laughs>
चलिए प्रिंसेस से मिलके बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मिली हूँ मैं, फिर मिलते हैं, आप लोग घर पे आओ। और निया की तो 2 मिनट में ही दोस्ती हो गई थी, क्योंकि नम निया ऐसे बच्चे हैं ना कि 2 मिनट में ही किसी से दोस्ती कर लेते हैं, तो थोड़ा शर्माई नहीं है फिर दोस्ती हो गई। वापस से कार सीट लगाई जा रही है। आंटी डोंट गो, हम लोग घर वापस आ गए, उन लोगों को हमने ड्रॉप कर दिया। और आज जो अनिमेश को चोट लगी थी दिन में, देखिए उनके चश्मे की हालत, ये यहाँ से टूट गई है और ये यहाँ से टूट कर ही यहाँ पर लगी थी। कैसे हैं आप लोग भाई? एक मिनट में कैमरा ठीक कर देती हूँ। आ गए हम लोग घर वापस, कहाँ गए थे हम लोग? गए थे मेघदेव सिटी सेंटर मॉल। हाँ, तो हम, मुझे एक लैपटॉप लेना था तो मैंने सोचा कि वहीं चली जाती हूँ, देख भी लूंगी। सोच कर कुछ और गए थे क्या लेना है, वहाँ जाके सेल्समैन ने इतना समझा दिया पूरा, मतलब जो हम सोच के गए थे उसने कुछ और बोला, क्या इतना बोला, इतने सारे फीचर्स दिखाए दूसरे लैपटॉप के। तो वहाँ पे काफी लेट हो रहा था और नवनिया को भी भूख लगी थी, तो मैंने बोला छोड़ो जो है अब ले लो, कि मैंने लेनोवो भी यूज़ किया, मैंने एचपी भी यूज़ किया, मैंने डेल भी यूज़ किया और मैंने एसएस भी यूज़ किया है। तो जो मैंने कॉलेज के टाइम में ख़रीदा था एमबीए के टाइम में, वो वाला एचपी मेरा आज तक रखा है, भले मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। फिर अभी मैं आपको अपना लैपटॉप दिखाऊंगी, वो मैंने 2 साल पहले खरीदा, उससे पहले मेरे पास एचपी और एसएस दोनों था, जो मैं इंडिया में छोड़ के आई हूँ। एक तो मैंने ऑफिस में दे दिया वहाँ, और एक मेरे पास मेरा एसएस का छोटा लैपटॉप है, वो घर पर रखा हुआ है वहाँ इंडिया में। तो ये लेनोवो वाला तो बिल्कुल नया ही था, बट स्क्रीन की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो गई। तो अभी मैं सोच के गई थी मुझे वापस से एचपी लेना है, बट वहाँ पर जाकर क्या कहते हैं, दिमाग पूरा घूम गया और मैंने ये एसएस का लैपटॉप ले लिया। वो जान पहचान के लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम एप्पल का ले लो, बट मैंने एप्पल का फ़ोन यूज़ किया हुआ है, लैपटॉप पर नहीं कर सकती थी, तो वो मेरे समझ के बाहर है। मैं इसी में खुश हूँ, मैं विंडोज़ में ही काम करने में खुश हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने यही लिया है। ठीक ही है, अब जब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कैसा है। तो अभी नहीं खोलूँगी, कल खोलूँगी इसको। और आपको चोट लगी थी, अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, फर्स्ट क्लास। दर्द कर रहा है?
यहाँ दिख रहा होगा ना, एक यहाँ और एक यहाँ। इस बात का है कि आई ग्लास टूट गई, आई ग्लास टूट गई। और आज हम लोग गए वहाँ रहे मॉल में, थोड़ा बच्चों को खिलाया, थोड़ा हम लोग भी खाए पिए, बस यही सब है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि मैं अपने बच्चों का डाइट प्लान शेयर करूं। ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं है, मतलब अब तो ये समझने वाले बच्चे हो गए। जब ये छोटे थे मैं इनको प्रॉपरली 7 या 8 बार प्यूरी बना के देती थी, या फिर दूध में रोटी मिलाकर उसको पीस करके देती थी, बहुत सारा अलग अलग चीज़ मैं इनको देती थी, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर, उसके लड्डू बनाकर, बहुत अलग अलग। बट अब ये समझदार हो गया तो अब ये खाने में नखरे करते हैं। निया राइस, दही, चिकन वगैरह खाती है, अंडे खाती है, नब सिर्फ रोटी खाना चाहता है। रोटी के साथ वो थोड़ा आलू का भरता खा लेगा या फिर थोड़ी सब्जी खा लेता है, तो इसी तरह है। बट मैं एक चीज़ है वो उनको हमेशा देती हूँ, मैं दिन में 2 बार तो ज़रूर ही देती हूँ, दूध और साथ में पीडियाश्योर। तो पीडियाश्योर जो 2 साल से 10 साल के बच्चों वाला आता है, वो मैं इनको मिल्क में मिलाकर ज़रूर देती हूँ 2 टाइम। तो ये एक चीज़ है जो मैं रेगुलरली दे रही हूँ, बस यही है। और जब जैसा इनका मूड रहा उस हिसाब से खाते हैं। तो दोनों बच्चों का ऐसा नहीं कि सेम है डाइट प्लान, दोनों का किसी को राइस अच्छा लगता है तो किसी को रोटी अच्छी लगती है, तो ऐसा है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है कि मैं कैसे क्या बनाती हूँ या फिर मैं एक्स्ट्रा क्या बनाती हूँ, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी वीडियो में किसी दिन। और बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं फिर से, तो एक्चुअली अगर हम उसका अभी आंसर देंगे तो और वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आप श्वेता की वीडियो देखते रहिए। और क्या श्वेता की वीडियो है, हम दोनों आते हैं चैनल पे, तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए, हम लोग बीच बीच में आपके प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उनका ऐसे वीडियो में भी 1-2 करके बता दे। और वैसे तो मैं वहाँ पर लिख कर जवाब दे ही देती हूँ जितना पॉसिबल होता है, और ज्यादा बात करूंगी तो ब्लॉग फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो इतना ब्लॉग लंबा करना अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही रहा हमारा आज का ये दिन, और ये वाला लैपटॉप मैं कल खोलूँगी, देखती हूँ क्या कैसे काम करता है। अभी मैं आपको अपना पुराना वाला लैपटॉप दिखलाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए सब कोई बोल रहे हैं बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी गुड। ये है मेरा लैपटॉप जिस पे मैं काम करती थी अभी तक, और अभी भी तो कर ही रही हूँ। ये है लेनेवो योगा 710, और इसकी हालत देखिए, इसका मुझसे ही टूट गई थी। और उसके बाद क्या हुआ ना, दिखाती हूँ आपको, देखिए आधा स्क्रीन इसका गायब है, और मैं इससे कैसे अपना काम निकालती हूँ वो दिखाती हूँ, देखो। तो इसको मैं ऐसे जुगाड़ करती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ, तब जाके ये काम करती है। ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे लगाती हूँ यहाँ पे, तब जाके ये काम करती है। इसको हटा देने से देखिए ये फिर ब्लैक, फिर इसको लगाने से ये ठीक हो जाती है। मैं इसमें ये लगा कर काम करती हूँ, ये वाला जुगाड़ देखिए, ऐसे लगाती हूँ तब ये काम करती है, नहीं तो नहीं। तो सोचिए मैं इस लैपटॉप पे काम चला रही थी, और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से इसकी स्क्रीन टूट गई है, ये देखिए पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, और यहाँ पे आपको चारों तरफ ये टेप दिख रहा होगा, देखिए ये देखिए। ये इसीलिए क्योंकि ये चार्ज जब नहीं हो रही थी तो मैंने अनिमेश को दिया था कि इसको एक बार चेक करा के लाए क्या प्रॉब्लम है। मैं अनिमेश इसको लेकर गए कड़ामा में, तो वहाँ उसने पूरा डिस्प्ले वगैरह खोल दिया, बोला ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा, और ज़्यादा ख़राब इसको कर दिया, जबकि पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इसमें।